दिवाली मिठाइयों का त्योहार है जिसमें अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयों के बिना इस त्योहार की रंगत अधूरी रहती है। लेकिन शुगर के मरीजों का क्या, हमारे देश में करोड़ों की संख्या में डायबिटीज के रोगी हैं। ऐसे में हम उनकी दिवाली फीकी तो नहीं रहने दे सकते, इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी मिठाई कितनी मात्रा में खाकर शुगर के रोगी भी दिवाली की मिठास लूट सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि शुगर फ्री मिठाई से शुगर नहीं बढ़ती, ये सिर्फ एक मिथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुगर फ्री के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है जो शरीर के अंदर जाकर शुगर का रूप ले लेती है। हालांकि ये सामान्य शुगर की तुलना में कुछ कम हानिकारक होती है, इसीलिए ये बात साफ है कि ये पूरी तरह शुगर फ्री नहीं होती। शुगर की बीमारी के रोगी गाजर का हलवा, दूध और बादाम की खीर तथा सूजी का हलवा या घर पर तैयार किया गया मूंग दाल का हलवा खा सकते हैं। बस इन सभी मिठाइयों को शुगर फ्री टैबलेट्स के साथ घर पर ही तैयार करें और सीमित मात्रा में इनका सेवन करें। खोए की बर्फी शुगर फ्री से तैयार की गई, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा, सूजी ऐसी मिठाइयां हैं जो मिठास भी देती हैं और पौष्टिक भी होती हैं। इनके अंदर शुगर कंटेंट भी बहुत कम होता है, इसीलिए शुगर से ग्रसित पेशेंट इनका सेवन कर सकते हैं। कढ़ा हुआ दूध जिससे मिल्क केक और रबड़ी बनाते हैं, उस दूध में शुगर फ्री मिठास और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर डायबिटीज के रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। इस दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और सिर्फ कढ़ा हुआ दूध होने के कारण ये प्राकृतिक रूप से मीठा हो जाता है। इस स्थिति में शुगर फ्री मिठास की जरूरत कम ही पड़ती है। अगर आप शुगर से पीड़ित हैं लेकिन दिवाली पर मिठाई एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप फिर चाहे टाइप ए डायबिटीज से पीड़ित हो या टाइप बी डायबिटीज से, आपको फिरनी, सेवैया, बतीसा, गुलाब जामुन तथा जलेबी जैसी मिठाइयाँ नहीं खानी, क्योंकि इन सभी मिठाइयों में फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इन्हें तैयार करने से पहले डीप फ्राई किया जाता है। अगर आपकी डेली शुगर 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, तो आप अपनी डाइट को स्प्लिट करें। यदि आप एक दिन मिल्क केक खा रहे हैं तो इसे मात्र 50 ग्राम खाएं। यदि आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो 100 ग्राम फ्रूट्स खा सकते हैं। इस तरह आप अपनी शुगर डाइट को डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि इतना संभल कर शुगर का सेवन करने पर भी आपका शुगर लेवल 150 और 170 तक पहुंच जाएगा, लेकिन राहत की बात ये है कि शुगर का बढ़ा हुआ स्तर स्वीकार्य है और आप इसे अपनी डेली दवा या इंसुलिन के माध्यम से नियंत्रित कर पाएंगे। और ध्यान रहे कि कम कैलोरी वाली ही मिठाइयां खाएं, वैसे घर पर बनी मिठाइयों में कैलोरी कम होती है। शुगर के पेशेंट दिवाली वीक के दौरान पड़ने वाले त्योहारों पर हर दिन अलग अलग तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स नेचुरली स्वीट होने के साथ ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं। इस दौरान शुगर पेशेंट को अमरूद, पपीता, नाशपाती और सेब जरूर खाना चाहिए। हालांकि मौसमी और संतरे के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर लेवल अन्य फलों की तुलना में काफी हाई होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण गंभीर स्थिति में है, ऐसे में जरूरी है कि आप बाजार की मिठाइयों का सेवन ना करें बल्कि घर पर ही मिठाई तैयार करें। इसके लिए यहाँ बताई गई मिठाइयों में से अपनी पसंद की मिठाई चुन सकते हैं और घर पर ही उन्हें बना सकते हैं। शुगर के रोगी दिवाली के दौरान अल्कोहल से दूर रहें। दिवाली पर नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहल का उपयोग बहुत अधिक बढ़ने लगा है, ऐसे में शुगर के पेशेंट की समस्या इन चीजों के सेवन से बढ़ सकती है। शराब बहुत तेजी से शुगर का स्तर बढ़ाती है।